अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम मोहम्मद अशफाक और आप देख रहे हैं फाइव फैमिली यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोरोला एक्सिस का बिगिनर कोर्स बेसिक टू एडवांस कर रहे हैं, तो हम इस कोर्स में फ़िलहाल टूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पेन टूल के बारे में, तो इस क्लास में हम देख लेते हैं कि हमने कौन से टूल के बारे में पढ़ना है और इसका क्या इस्तेमाल है कोरोला एक्सिस के अंदर। तो चलो देख लेते हैं फ्रेंड, मेरे सामने कोरोला एक्सिस की आउटलाइन ओपन है। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे फ्री हैंड टूल के बारे में, फ्री हैंड टूल का क्या इस्तेमाल है और ये किस लिए यूज़ होता है कोरोला के अंदर, तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे और इस चीज़ को मैं आपको बताऊंगा। तो मैं कोरोला एक्सिस ओपन कर लेता हूँ फ्रेंड। हमारे पास पाँचवें नंबर पर टूल बार में पाँचवें नंबर पर है फ्री हैंड टूल, ड्रा कर्व एंड स्ट्रेच द सिगमेंट लाइन। सिगमेंट लाइन वगैरह ड्रा करने के लिए ये इस्तेमाल होता है और इसकी शॉर्टकट की है F5। मैं इसे यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और हम देख लेते हैं इसका काम क्या है। हमने इसे सेलेक्ट किया और माउस के बटन को, लेफ्ट बटन को प्रेस किया हुआ है और हम इसे लेके जा रहे हैं अपनी मर्ज़ी से फ्री हैंड टूल, जैसे मर्जी ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पर ला कर इसको ला देंगे तो आप देख सकते हैं कि एक कैसा इफेक्ट बन गया। हम इसके अंदर कलर देख लेते हैं, देखो एक ये सूरा सा ही बना है ऐसे तो, लेकिन आप इसे अच्छा भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ से इसको ड्रॉ करने के बाद कर्व पे गए, यहाँ से इसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं आप अपनी मर्जी से। यहाँ पे अगर कोई एंकर पॉइंट आपको नहीं चाहिए उन्हें डिलीट कर सकते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से वर्किंग वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके अलावा इसका क्या काम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा अगर आप क्लिक करके छोड़ दोगे तो ये लाइन इस पॉइंट को नहीं छोड़ रही, तो आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहें जाके छोड़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक बॉक्स क्रिएट करना चाहते हैं, अगर हम क्लिक कर देंगे तो वो छोड़ देगा, पर अगर हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे डबल क्लिक किया फिर नहीं छोड़ेगा। डबल क्लिक करने के बाद नहीं छोड़ेगा, आप देख सकते हैं एक पॉइंट सा बन रहा है नीचे, प्लस के नीचे, कि वो कह रहा है यहाँ पे से ये जुड़ जाएगा दूसरे पॉइंट के साथ, जुड़ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये बनाई थी, हमें इसे आगे लेके जाना चाहते हैं, तो मैंने फ्री हैंड टूल सेलेक्ट किया, उसके पास में वो कह रहा है शो करवा रहा है निशान, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, जुड़ गया। यहाँ पे फिर हम सेलेक्ट किया, यहाँ पर ला कर फिर जुड़ गया, ठीक है। अगर हम चाहते हैं इसका एक और काम, अगर हम चाहते हैं कि हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया ये लाइन सीधी जाए, तो हम कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, जिस तरह भी लेके जाएंगे, ठीक है, इस तरह इस तरह क्लॉकवाइज वर्किंग कर रही है। जैसे सेकंड चलते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह ब्रिंग करते हैं, ये भी वैसे ही वर्किंग कर रही है। मैंने कंट्रोल प्रेस किया हुआ अपने कीबोर्ड से, जैसे छोड़ूंगा ये फ्री हैंड हो जाएगा, अगर फिर किया ये लाइन स्ट्रेट जा रही है, लाइन। अगर हम इस लाइन को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो हमने पिक टूल सेलेक्ट किया और इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि दोनों साइडों से बराबर छोटी और बड़ी हो, तो हम साथ शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये दोनों साइडों से आप देख सकते हैं कि वो शो करवा रहा है इसके अंदर, दोनों साइडों से छोटी या बड़ी हो सकती है। तो ये किसी शेप को सेलेक्ट या किसी शेप को ट्रेस करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये नेक्स्ट हम अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह में यूज़ करेंगे तो मैं इसके बारे में मज़ीद वर्किंग वगैरह के बारे में आपको बताऊंगा। तो फ़िलहाल आप इस पे, आप अगर कोई वर्किंग वगैरह कर रहे हैं तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मैं उम्मीद करूँगा करता हूँ कि आपने जो पिछले टूल पढ़े हैं उनके बारे में ज़्यादा काफ़ी प्रैक्टिस की होगी। कोई भी काम आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें कामयाब हो सकते हैं आप, और इस
का आप नेक्स्ट अपना कैरियर इसमें लेके जा सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए। It's so